सो हेलो पॉप के दीवानों, कैसे हो भाई हो आप सब। शुरू करते हैं रफ्तार से। सो रफ्तार का जो ट्रैक आने वाला है सीबी के छोरा बाबा का, उनकी कुछ स्टोरीज मैंने आपको दिखाई थी। फिलहाल रफ्तार के एक फैन पेज ने उसके शूट की एक क्लिप शेयर करी है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद ये ट्रैक कोलैब ट्रैक होने वाला है, जिसमें रफ्तार, हरियाणवी आर्टिस्ट ध्यानदान ओलीवाला, दीप कालसी एंड प्रूफ का शायद म्यूजिक होगा। अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। खैर, म्यूजिक वीडियो शूट की क्लिप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, फुल देसी स्टाइल में होने वाली है वीडियो। क्या पता रफ्तार की तरफ से भी हमें हरियाणवी रैप सुनने को मिले। बाकी और कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रैक सजेस्ट कर देता हूँ। हमारे भाई दीप हाक्स का होना ना था ट्रैक आउट हुआ है, जो कि काफी तगड़ा सा है। थोड़ा सा आप लोग सुन लो पहले। सही में काफी अच्छा ट्रैक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर चेक करना। नेक्स्ट अपडेट कृष्णा एंड गली गैंग के आर्टिस्ट सुमयोकी की तरफ से। सो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, सुमयोकी ने एक ट्वीट करा था कि लाइक वो अब और ज्यादा मेहनत करेंगे कृष्णा का वर्स पाने के लिए। देन उसके बाद कृष्णा ने अपनी ईमेल आईडी भी दी थी, सो दैट सुमयोकी अपना ट्रैक भेज सके उन्हें। फिलहाल ये कोलैब होने के काफी चांसेस बढ़ चुके हैं। सुमयोकी ने एक ट्वीट कराया आज, कृष्णा की तरफ से 6 नए मैसेजेस आए उन्हें। सुमयोकी ने कहा है, आई एम स्केयर्ड टू ओपन, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट डिवाइन का जो ट्रैक है बाजीगर, उसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट अरमानी वाइट भी हैं। सो रिसेंट में डिवाइन का शो था न्यूयॉर्क में, जहां अरमानी वाइट ने डिवाइन के शो पे सरप्राइज एंट्री ली। कुछ क्लिप्स हैं, आप लोग देख लो। Got one more special guest with me, you all ready? इसके लिए चश्मा जैकेट वैकेट उतारना पड़ेगा लग रहा नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह की तरफ से। सो उनकी नेक्स्ट एल्बम इंटरनेशनल विलेजर 2 होने वाली है, ये आप सबको पता होगा। होप आप सब उसके लिए एक्साइटेड भी होंगे। फिलहाल हनी सिंह ने बताया है इंटरनेशनल विलेजर 2 में म्यूजिक हनी सिंह का ही होने वाला है। मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ। वापस प्रोडक्शन शुरू करती है क्योंकि इंटरनेशनल विलेजर 2 इज गोना बी माय प्रोडक्शन, इज नॉट गोना बी बॉयज प्रोडक्शन या समबडी एल्स प्रोडक्शन, इज गोना बी माय प्रोडक्शन। क्योंकि बहुत रिव्यूज आए कि लोग सारे कहते कि थोड़ी प्रोडक्शन मिक्स कर रहे हैं, तो मैं प्रोडक्शन एक्चुअली फरवरी से शुरू करती थी, रवा हो रहा सी हौले हौले प्रैक्टिस कर रहा सीगा वापस। नेक्स्ट अपडेट कलमिंग की तरफ से। सो कलमिंग ने अपना एक और अनरिलीज ट्रैक प्ले करा है अपनी स्टोरीज पे। भाई कुछ बनाने बैठा था, बैंगर बन गया। कादी कादी नजरानों अपनी साडे उते डाल पैर ले कर के मैं ले ली काली काली थार तेरे इसके अलावा उनका लेटेस्ट ट्रैक स्ट्रीट फ्लो इंस्टा ऑडियोस पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। तो कलमिंग का कहना है स्ट्रेट हाइप नो प्रमोशन। नेक्स्ट अपडेट दीप कालसी की एल्बम टनल विजन का सेकंड ट्रैक अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम है सिटी ऑन फायर, जिसमें सिकंदर भाई की भी फीचरिंग है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर यहां तक आ चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।